सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से दो शानदार पशुधन आपके लिए लेके आए हैं, दूध वाली भैंसें लेके आते हैं हर समय पे। और सामने जो चेहरा है आप पशुपालक भाई देख पा रहे हैं, राकेश भाई गाँव सुधराणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से दूध की भैंसें मैं कहूँगा इस फील्ड से तलाश के, और पशुपालकों को जो है घर बैठे एक अच्छे पशुधन के सिलेक्शन का जो मौका है हर टाइम पे मिलता रहता है और इनके यहाँ से वीडियो जो है आती रहती हैं। और आज की वीडियो में दो जोटियाँ दिखाएंगे जी, एक फर्स्ट टाइमर जोटी मैं कहूँगा, नीचे से बात करें बहुत ही साफ़ सुथरी, और जो है पशुधन की कंप्लीट डिटेल आप भाइयों के साथ साझा करेंगे। और जो है लास्ट तक आप भाई जुड़े रहें क्योंकि हर तरह के पशु लेके आते हैं, लगभग जो है अच्छे दूध की भैंसे भी खरीद के लेके आते हैं, नॉर्मल भी, लेकिन जो है सारी चीज़ें कॉस्ट पे तय होती है। इनकी कोशिश ये रहती है कि पशुधन जो है भाव में हो और जो है अच्छी क्वालिटी का हो। तो सबसे पहले मिलवा देते हैं, जानकारी लेंगे पहले नंबर की जोटी के बारे में, और जो है पशुपालक भाई जुड़े रहें। नमस्कार राकेश भाई। नमस्कार जी भाई साहब। तो दो पशु दिखाओगे? हाँ जी, दो भैंस दिखाओ। कौन कौन से ब्यांत की हैं? एक पहले ब्यांत की, एक तीसरे ब्यांत की। एक पहले ब्यांत की, एक तीसरे ब्यांत की। पहले ब्यांत की क्या कुछ डिटेल है एक बार बताओगे, कितने दिन की ब्याई हुई है? भाई आज 5 दिन की ब्याई है। हाँ हाँ। और मुँह से दो दांत है। दो दांत है जी। 10 किलो दूध आज मुख्य तैयार। साथ में कटड़ा कटड़ी? कटड़ा है। कटड़ा एक बार खोल लो इसको। दो जोटियाँ हैं जी, एक पहले ब्यांत की पहले नंबर पे, दो दांत कटड़ी जो है मीडियम से थोड़ा ऊपर कद, और मैं कहूँगा दो दांत यानी मात्र 2.5 साल की इसकी उम्र है। सींग क्वालिटी आप देख सकते हैं, और नीचे से बात करें इसकी जो आर्डर की क्वालिटी है, थन है, पैर के बीच का टाइट और सटीक सा आर्डर है। 5 दिन की ब्याई हुई और 10 किलो दूध जो है मौके पे तैयार बता रहे हैं। ले सामने से ये देखिए, इधर से भी दिखा देते हैं, सींग जो है शरीर पे जचता हुआ, और नीचे से देखिए जो अडर की क्वालिटी है, थन है, टाइट लेवे की है। मेरे हिसाब से जो भाई देख रहे हैं भाव में भी एक जायज़ रेट में ही मिलेगी, क्योंकि अगर ब्यूटी पे ज़्यादा जाते हैं भाई, क्वालिटी टॉप ही लेते हैं बांध लो, तो फिर भाव अलग हो जाते हैं। और ये एक आम रूटीन के पशु हैं जो हम एक घर रखने के लिए जो पशु रखते हैं, भीतर बांध ले भाई, बांध ले रे, बांध ले। तो जोटी जो है रेट की बात करें, रेट में भी मेरे हिसाब से जायज़ रेट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा छोटे सींग की हो, फुल साइज हो, और भाई 14-15 किलो दूध हो, तो सबको पता है बजट सेट नहीं हो पाता जी। इस साइड बोलो, तो भाव की कह रहे हैं कि रेट में जायज आई और जायज ही देंगे जी। जी और घड़ी तो नहीं कहा, 14 किलो दूध, 13-14 किलो दूध नीचे भी ना हो रहा है, 13-14 किलो दूध निकाल देगी जी। जी ये देखिए जी, ये देखिए जो थन है, अडर है, टाइट अडर है, ये नहीं कि कई बड़े बड़े लेवे देखते हैं, बिल्कुल फिटेड है, चारों थन देखिए साफ सुथरे। और 1.5 किलो तो ऊपर क्या गाड़ी नहीं निकाल, 1.5 किलो दूध क्या गाड़ी आज निकाल रही है। ये देखिए जी, पीछे से करीब से एक बार दिखा देते हैं। दो दांत रही निकालती हुई है बस। अच्छा, दो दांत निकाल ही रही है, पूरा भी नहीं करे हैं पहले। तो इसका रेट साल की है। रेट वगैरह क्या रहेगा? रेट तो जो लेगा उसने कर दिया मौका का। ठीक है, आगे एक और भैंस है, ये तीसरे ब्यांत की भैंस है, तीसरे ब्यांत की फुल साइज की भैंस है जी। इतने साइज के पशु जो है रेयर इस एरिया में मिलते हैं, साइज अच्छा है, पीछे से इस साइड बोल दो। और कितने दिन की ब्याई हो चुकी है, क्या कुछ दूध वगैरह इसमें? 13-14 दिन की ब्याई हुई है। और ये देखिए जी नीचे से साफ सुथरी, साथ में कटड़ा कटड़ी, कटड़ी है भाई इसमें। कितना दूध आज तैयारी का? आज इसमें 16 किलो दूध मौके पे तैयार। 16 किलो इसको खोल लो एक बारी, 16 किलो दूध तैयार है जी। और लंबाई ऊंचाई की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है इस पशुधन में, और दूध का पशु लेने के लिए इस समय में जो पशुपालक हैं वो घूमते रहते हैं, और मैं बात करूं इतने अच्छे दूध की भैंसे लेके आते हैं, मैं कहूंगा कि 13-14 दिन की ब्याई हुई में अच्छा दूध तैयार है। ये देखिए जी लेवा, टाइट अडर की, ये भी थन बिल्कुल मुट्ठी के साइज़ का, और एक बार करीब से दिखा देते हैं आप भाइयों को। ये देखिए
तीसरा ब्यांत है और मेरे हिसाब से कल ही आई है ना। ले चलो अंदर, ये देखिए जी सींग शरीर पे जमता हुआ और अभी लेके ही आए हैं। ये नहीं कि भाई तैयार दूध में, अभी यहाँ पे जो सेवा होगी उससे दूध जो निकलेगा उसकी तैयारी भी अलग से आप पशुपालकों को जो है, जो भी दूध बढ़ेगा वो अभी इनकी सेवा का 2-3 किलो दूध जो बढ़ना है वो अभी बकाया मानो आप, क्योंकि लेके ही आए हैं। और आते ही वीडियो बनवाने का एक ही मतलब होता है भाई, कम बचत भी आ जाए तो भी पशु दे दें, और जब दूध तैयार करते हैं तो फिर तो अलग ही रेट होते हैं पशुओं के। तो राकेश कितना दूध निकाल देगी? 18 किलो दूध दे देगी। तो रेट क्या रहेगा अंदाजन? मान लो जायज़ रेट में मिलेंगे। रेट ओपन करने में कई भाई ये कहते हैं रेट ओपन, तो उसका कारण ये भाई हम भी फिर फर्क है भाई, खरीद के लेके आते हैं 10-5 हज़ार रुपये ऊपर भी बताने पड़े, फिर जिससे खरीदी है वो ये सोचे कि भाई ये तो मोटा मुनाफा हो गया। तो बिक्री का काम हमेशा जो है ओले का ही होता है, दोनों पशु बिक्री के लिए हैं। पहले नंबर की झोटी में 10 किलो दूध तैयार, 5 दिन की ब्याई हुई तीसरे ब्यांत वाली भैंस है, ये भी 18 किलो दूध की इनका अनुमान है निकाल देगी। अभी 16 तैयार हैं, 16 तैयारी का है जो दूध बता रही, वो दूध मिलेगा जी, नीचा की साफ सुथरी मिलेगी जी, कोई छर्रो पपई हो, दूध पोसा में कोई कमी हो तो आने जाने को किराए में जोड़ लीजिए। अच्छा, नीचे की कच्ची रहे तो आने जाने का किराया जो है ले सकता है, कोई छर्रो पपई हो जी, कोई भी कमी हो नीचे की दूर तक आओ है किराए में दूंगा, साफ सुथरी मिलेगी है बिल्कुल। तो इनका मोबाइल नंबर चल रहा है जी, कोई भी पशुपालक ये पशु खरीदना चाहता है इनका संपर्क कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। ये पशु वो हैं जो हर भाई आजकल जैसे 2-2, 4-4 लाख वाली नहीं, ये एक ऐसी कॉस्ट के पशु हैं जिसका भी मन करे वो खरीद सकता है। तो ठीक है जी, सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।